नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरिंद्र कुमार और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉक एंड टिप्स में। दोस्तों, आप अपने स्मार्टफोन में कुछ इस तरह कैश डेटा या कैश मेमोरी जरूर देखे होंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में जानेंगे कि कैश डेटा क्या है और फ़ोन में इसका क्या काम और इसे डिलीट करने से हमारे फ़ोन से क्या कुछ डिलीट हो सकता है या क्या कुछ चेंजेज हो सकते हैं, इस वीडियो में इसके बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कैश डेटा है क्या। तो दोस्तों, कैश डेटा एक तरह का टेंपरेरी फाइल है जो हमारे फोन में किसी भी ऐप्स या फाइल्स के द्वारा बना लिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी ऐप को पहली बार इंस्टॉल करते हैं तो वो ऐप ओपन होने में कुछ समय लेता है, क्योंकि अपना जो भी डेटा है वो कैश डेटा के रूप में सेव कर रहा होता है। दोस्तों, मान लीजिए आपने व्हाट्सएप को इंस्टॉल किया तो व्हाट्सएप कैश डेटा के रूप में अपना जो भी लोगो है और भी जो फाइल्स हैं वो पहले सेव करेगा, उसके बाद ही ओपन होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे फ़ोन में यहाँ पर व्हाट्सएप ने कुछ इस तरह कैश डेटा बनाया हुआ है, यूट्यूब ने भी कुछ कैश डेटा बनाया हुआ है और फेसबुक ने भी कुछ कैश डेटा बनाया हुआ है और यहाँ पर गैलरी ने तो सबसे अधिक लगभग 1.5 GB से भी अधिक कैश डेटा बनाया हुआ है। दोस्तों, जिस भी ऐप का यूज़ ज़्यादा करेंगे उसका कैश डेटा भी ज़्यादा बनता जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समझा है कैश डेटा एक तरह का टेम्परेरी फाइल है, उस ऐप को वर्क करने का एक तरह का पथ है, एक तरह का रास्ता है और ये रैम की तरह ही काम करता है और जो भी ऐप हमारे फ़ोन में इंस्टॉल होंगे उनका एक टेम्परेरी फाइल कैश डेटा के रूप में हमारे फ़ोन में बन जाता है। और दोस्तों, आपने देखा हो कि जब आप गैलरी को ओपन करते हैं तो गैलरी में जो भी वीडियोज़ होंगे उनका वीडियोज़ के ऊपर ही छोटे छोटे थंबनेल आपको देखने को मिल जाएंगे, या जब आप कैमरे से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसे जब आप अपने फ़ोन में सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि वीडियोज़ का छोटा सा भाग ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो थंबनेल है ये टेम्प्रेरी रूप से कैश डेटा के रूप में हमारे फ़ोन में सेव हो जाएंगे। तो जो भी हम ऐप में वर्क करते हैं उसका जो भी रिकॉर्ड है वो कैश डेटा के रूप में हमारे फ़ोन में सेव होता रहता है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कैश डेटा को क्लियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज प्रॉब्लम है तो आप समय समय पर कैश डेटा को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कैश डेटा हमारे फ़ोन स्टोरेज को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे मेरे फ़ोन में गैलरी के द्वारा 1.5 GB से भी अधिक कैश डेटा बनाया हुआ है। अगर मैं इस कैश डेटा को क्लियर कर दूं और दोबारा जब गैलरी को ओपन करूंगा तो गैलरी जो है वो स्लो काम करेगा, जल्दी से ओपन नहीं होगा, क्योंकि जो भी वीडियोज़ के थंबनेल थे, फ़ोटो के थंबनेल थे और जो कैश डेटा के रूप में हमारे फ़ोन में सेव थे उसे मैंने क्लियर कर दिया है, डिलीट कर दिया है। तो दोबारा जब तक कैश डेटा बनेगा नहीं तब तक गैलरी सही से काम नहीं करेगा। इसी तरह दोस्तों, आप अपने फोन में किसी भी ऐप का कैश डेटा को क्लियर करते हैं तो वो ऐप थोड़ा स्लो काम करेगा, लेकिन जब कैश डेटा बना लेगा फिर से तो वो ऐप पहले जैसा ही काम करने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं अब आप समझ गए हो कैश डेटा क्या है और कैश डेटा को क्लियर करने से हमारे फोन में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।